नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से। आज का जो टॉपिक है वो फिर से रोड साइन के ऊपर में है, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे पिछले वाले वीडियो पे भी रोड साइन था, आज के वीडियो पे भी रोड साइन है, लेकिन आज का जो ये वीडियो है पिछले वाले वीडियो से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इस पे वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो आपको ड्राइविंग टेस्ट के दौरान पूछे जाएंगे, क्योंकि ये पहले पूछे गए थे। तो बिल्कुल वन बाय वन मैं उन क्वेश्चन को लेके आया हूँ ताकि आप देखें और बिल्कुल अच्छे से तैयार होके जाएं अपना, जब भी आप ड्राइविंग टेस्ट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, ताकि एक बार में ही वो आप अपना एग्ज़ाम को क्लियर कर दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है उस टेस्ट पे, तो फिर क्या होता है एक दो क्वेश्चन के लिए आप फेल हो जाते हो और फिर वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि आपको फिर से ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाया जाता है, फिर से आपको एक डेट दिया जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो पे आपको दिखाऊं जो कि आपको ड्राइविंग टेस्ट के दौरान पूछे जाते हैं। वो ज़्यादातर रोड साइन ही होते हैं, वो आपको अच्छे से पता चल जाए एंड आप बिल्कुल एक बार में ही अपना ड्राइविंग टेस्ट का वो एग्ज़ाम क्लियर कर दें। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन और इसका आंसर आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने मेरा पहले रोड साइन का इससे पहले वाला वीडियो अगर देखा होगा ध्यान से। और एकदम सिंपल है, यू बना है और कट है, इट मींस आंसर होगा सी, यू टर्न प्रोविटेड, एकदम इजी है, यू मोड निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी एकदम सिंपल है, ऑक्टागोनल शेप में ये साइन है और ये यूनिवर्सल साइन है, मैंने बताया था दो ही साइन है जो यूनिवर्सल होते हैं, ये के और इसका आंसर है स्टॉप। अब इसका आंसर क्या होगा, एक साइड का एरो कट है और एक साइड बिल्कुल क्लियर है, तो सिंपल है बी वन वे, मतलब एक ही तरफ गाड़ी जा सकती है या आ सकती है, दूसरे तरफ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट डायरेक्शन का एरो बना हुआ है और बिल्कुल क्लियर है, कोई कट नहीं है, कट नहीं है इसका मतलब किसी भी तरह की मनाही नहीं है, बट है मैंडेटरी, ऑर्डर दे रहे हैं करना है, मींस सी। अगेन यूनिवर्सल साइन, उल्टा ट्रायंगल, आंसर होगा ए गिव वे, रास्ता दीजिए, मतलब राइट साइड से जो आते हैं उनकी प्रायोरिटी होती है, आपको उनको रास्ता देना होगा, आंसर है ए गिव वे। ये सभी को पता होगा, एक पेडेस्ट्रियन दिख रहा है, नीचे जेब्रा क्रॉसिंग है, कोई कट नहीं है, आंसर होगा ए पैदल यात्री पार पथ, मींस जेब्रा क्रॉसिंग। पी लिखा हुआ है और एरो डायरेक्शन है एक साइड पे और ये इंफॉर्मेटरी साइन है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, मतलब पी पार्किंग और डायरेक्शन राइट साइड का दिया है, मतलब आंसर होगा पी दाएं ओर वाहन खड़ा करना स्वीकृत है। अगेन मैंडेटरी साइन, एकदम सिंपल, राइट एरो बना के कट किया गया है, मतलब राइट टर्न प्रोहिबिटेड, तो आंसर होगा बी दाएं मुड़ना निषेध।
कन्फर्मेटरी साइन, एक बेड बना के डॉक्टर का साइन है क्रॉस वाला, और बेड मतलब हॉस्पिटल, तो आंसर होगा सी अस्पताल। नैरो ब्रिज, आंसर बी आगे संकरा पुल है। क्रॉस बना हुआ रेड कलर का, बेड नहीं है मतलब डिस्पेंसरी, प्राथमिक चिकित्सा चौकी, आंसर ए। फर्स्ट एड पोस्ट भी कह सकते हैं इसको। देखिए पहले चौड़ी है, फिर आगे जाके संकरी हो गई, साइन के अंदर जो रोड का सेप है सिंपल है, आंसर है ए आगे रास्ता तंग है, नैरो रोड अहेड इट मींस। ब्लैक कलर में है ये, ऐसे ही साइन रेड कलर में अगर होता तो वो नो पार्किंग का होता, बट ये ब्लैक में है इसलिए गति सीमा पर अनुकूल समाप्त, आंसर सी रेस्ट्रिक्शन एंड्स। इस साइन का मतलब होता है कि जो भी पाबंदी लगी होती है अब वो खत्म हो जाती है यहां से। अगेन बेड बना हुआ है लेकिन कोई डॉक्टर वाली साइन नहीं है क्रॉस का, तो मतलब ये हो गया ना कि अस्पताल तो है नहीं, क्या हो गया, आंसर बी आराम करने की जगह यानी रेस्टिंग प्लेस। एक एरो है उसके बगल से एक एरो घूम के आगे की तरफ जा रही है लेकिन कट है, तो क्या दर्शा रहा है ये साइन, मतलब कि आप किसी को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, तो आंसर सी ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। आंसर होगा ए क्रॉस रोड, एकदम सिंपल, आगे चौराहा है एक और क्रॉस रोड। एरो एक ही है और कट है, तो आंसर बी आगे जाना मना है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसको नो एंट्री भी कह सकते हैं, बट यहां पे जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं उस हिसाब से आंसर बी। हॉर्न बनाया हुआ है, मैंडेटरी साइन है, बिल्कुल क्लियर है, कोई कट नहीं है, इट मीन्स आंसर ए हॉर्न बजाना जरूरी, ब्लो हॉर्न। वार्निंग साइन साइड पे आपको दिख रहा होगा, एरो एक स्ट्रेट है और लेफ्ट साइड से एक रोड मिलता हुआ, मतलब आंसर सी बाईं ओर सड़क, साइड रोड लेफ्ट। मैंडेटरी साइन सर्किल पे बिल्कुल क्लियर, एरो राइट साइड को शो कर रहा है, सो सिंपल। बताइए आप लोग, आंसर बी दाएं मुड़ना आवश्यक, कंपल्सरी टर्न राइट, आंसर बी।
हॉल लेकिन कट किया हुआ, सर्किल के अंदर मैंडेटरी और सिंपल है, आंसर होगा ए, हॉर्न बजाना निषेध, हॉर्न यहाँ पे नहीं बजा सकते। मोटर कार मोटरसाइकिल दोनों पे कट किया गया है, तो ऐसे नहीं होगा कि मोटर कार और मोटरसाइकिल के ऊपर ही रेस्ट्रिक्शन है, मोटर गाड़ियों के लिए प्रवेश निषेध, आंसर होगा ए, मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड, कोई भी इंजन फिटेड गाड़ियां यहां से नहीं जाएगी, आंसर ए। सिंपल है, ब्लॉकेड बना के कट किया गया हो, आंसर ए, बैल गाड़ी दिसे ब्लॉकेड प्रोहिबिटेड। लेफ्ट एरो बना के कट किया गया है, मैंडेटरी साइन, तो आंसर सी, लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, बाएं मुड़ना वर्जित या बाएं मुड़ना मना, मैंडेटरी साइन, स्ट्रेट एरो शो कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है, मतलब आंसर बी, केवल आगे बढ़िए, गो स्ट्रेट, ना तो लेफ्ट ले सकते ना तो राइट, स्ट्रेट ही जाना है, बी। मैंडेटरी साइन है, क्रॉस किया गया है, मतलब आंसर बी, ठहरना वो खड़ा होना दोनों मना है, नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग, अगर एक कट होता तो वो नो पार्किंग हो जाता, बट दो कट लगे हुए हैं, इट मीन्स नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग, आंसर बी, ठहरना और खड़ा होना दोनों मना है। स्ट्रेट एरो भी है और लेफ्ट एरो भी है, बिल्कुल सिंपल है, या तो स्ट्रेट जाएंगे या तो लेफ्ट लेंगे, तो ऑप्शन बी, आगे बढ़ना या बाएं मुड़ना अनिवार्य, गो स्ट्रेट और टर्न लेफ्ट कंपल्सरी। एरो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ, एक लेफ्ट टर्न होता है स्ट्रेट रहता, बट ये थोड़ी सी झुकी हुई है, सो बाएं ओर चलना अनिवार्य, आंसर बी, कीप लेफ्ट। ट्रायंगल के अंदर एरो राइट साइड को थोड़ी सी घूमी हुई, वार्निंग साइन, आंसर ऑप्शन बी, दाएं हाथ को घुमा, राइट हैंड कर्व। जस्ट ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे घूमी हुई है एरो मार्किंग, सो सिंपल लेफ्ट हैंड कर्व, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। थोड़ा सा रिवर्स मोड में रोड है, देखिए पहले स्ट्रेट गए फिर वापस आए, लेकिन ये राइट साइड को हो रही है, तो आंसर होगा ए, दाएं और उल्टा घुमाओ, राइट रिवर्स बेंड, आंसर ए। जस्ट ऑपोजिट अब ये लेफ्ट साइड पे रोड देखिए वापस रिवर्स मोड में आ रही है, वैसे जिगजैग पैटर्न पे है, तो आंसर भी जस्ट ऑपोजिट क्या होगा,
आंसर बी, बाएं और उल्टा घुमाओ। आंसर इसमें राइट साइड पे रोड मिल रही है, सो आंसर बी, दाएं तरफ एक रास्ता है, राइट साइड रोड। टी आपको दिखाई दे रहा है, टी शेप में रोड है, इट मीन्स आगे मेन रोड है, तो आंसर ए, आगे मुख्य सड़क, मेन रोड अहेड। राउंड अबाउट सो सिंपल, आंसर है सी, गोल वे। जब गोल चक्कर होता तो गोल चक्कर, राउंड अबाउट होता तो राउंड अबाउट। यहाँ पे आंसर होगा सी, बीच में थोड़ी सी डिप हो गई है रोड, मतलब आंसर बी, खतरनाक गड्ढा, डेंजरस डीप, आंसर बी। गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग, आंसर ऑप्शन ए, गार्ड रेलवे क्रॉसिंग मतलब फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग है। वाई शेप में रोड है तो सिंपल है, आंसर होगा ए, वाई इंटरसेक्शन, लेकिन किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो बाएं और वाई इंटरसेक्शन, आंसर बी, बाएं और वाई इंटरसेक्शन। कार आपको दिख रहा है, फिसलती हुई दिख रही है, सो सिंपल है, आंसर होगा ऑप्शन ए, रास्ता फिसलन भरा है, स्लिपरी रोड। कार के बगल से कुछ छिटकता हुआ नजर आ रहा होगा आप लोगों को, मतलब छोटे छोटे कंकड़ या पत्थर वाली सड़क होगी, सो आंसर होगा ऑप्शन ए, बजरी पड़ी हुई, मतलब पत्थर वाली सड़क, आंसर ऑप्शन ए, लूज ग्रेवल कह सकते हैं इंग्लिश में। एकदम सिंपल है, साइकिल दिख रहा है ट्रायंगल के अंदर, वार्निंग साइन है, मतलब आपको वार्न किया जा रहा है, तो आंसर ऑप्शन ए, साइकिल क्रॉसिंग, कोई कट नहीं है इसलिए मनाही नहीं है, तो वर्जित नहीं होगा, जस्ट ओनली साइकिल क्रॉसिंग, यहां से सिर्फ साइकिल ही जाएगी। अगेन वार्निंग साइन, एक जानवर दिख रहा है लेकिन कोई कट नहीं है, मतलब आपको वार्न किया जा रहा है सिंपली कि यहां से जानवर आ सकते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, रास्ते पर पशु होने की आशंका, कैटल बी। एक बच्चा दिखाई दे रहा है, इससे सब वाकिफ है, ए आंसर होगा ऑप्शन ए, आगे स्कूल है। मैन एट वर्क, आंसर ए, आदमी कार्य पर है, इससे भी सब अच्छी तरह से वाकिफ रहते हैं।
चट्टाने गिरती हुई दिखाई दे रही है, छोटे छोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, चट्टाने गिर रही है। सिंपल आंसर ऑप्शन सी, चट्टाने गिर रही है, फॉलिंग रॉक्स, चट्टाने गिरने का खतरा। डाउनहिल है, कार देखिए ढलान की तरफ दिखाई दे रही है, समझ में आ ही रहा होगा, तीव्र ढलान, आंसर है ऑप्शन बी, हम और रफ रोड, आंसर है ऑप्शन ए, ऊंची नीची सड़क, अगेन पी लिखा हुआ है और दोनों साइड पे एरो मार्किंग है, इट मीन्स आंसर है ऑप्शन बी, दोनों ओवर पार्किंग। आगे जो रेड है इट मीन्स रोड ब्लॉक है, आगे रोड नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, आगे रास्ता नहीं है।